अस्सलामुअलैकुम। आज धोती सलवार का कटिंग दिखाने जा रहे हैं, कुर्ते के नीचे रहेगी और ये जेंट्स का है और सेम लेडीज़ का भी ऐसा ही बनता है, लेकिन जेंट्स का थोड़ा चेंज रहती है। तो हमारा ये 2.5 मीटर कपड़ा है, इसके हिसाब से कटिंग करना है। ऐसे 3 मीटर लगती है लेकिन कम कपड़ा है, तो हम ऊपर क्या करेंगे, थोड़ा सा ज्वाइन देंगे। मीटर मैंने डबल कर रखा हूँ, यानी 1.25 मीटर है पूरा लेंथ। तो हम इसको क्या करेंगे, क्रोश में इसको अच्छा से दोनों सीधा कर लेंगे, दोनों पल्ला को एक जैसा कर लेंगे। और ऐसे क्रॉस कर लेंगे क्योंकि ये पल्ला का अरेज कम है। तो हमको सबसे पहले देखना है नीचे मोड़ी आना है, मोड़ी आने के बाद नेफा के लिए ऊपर 8 इंची बात कर देंगे। पहले यहाँ पे हम देख लेंगे 13 इंच मोड़ी आएगी। अभी यहाँ से लेंथ नापेंगे तो ये 8 इंची हम यहाँ पकड़ लेंगे, देखिए 36 इंची आ रही है, यानी थोड़ा और क्रॉस करेंगे इसको। यहाँ तक आ जाएगी हमारा 13 इंच मोरी और यहाँ पे 1.25 इंच का मार्जिन रखेंगे बॉटम मोड़ने के लिए। ये हमारा क्रॉस पल्ला हो गया, तो हम इसको ऐसे फोल्ड करके, जगह कम है, जगह कम के वजह से हम इसको अब यहाँ से साइज लेंगे। ये 8 इंच पकड़ लेंगे। अभी देखिए 40 इंची लेंथ आ रही है, तो हमको चाहिए सिर्फ 39 इंची लेंथ। तो हम यहाँ पे मार्क लगा लेंगे और यहाँ पे मार्जिन के लिए। सारे 13 इंच रहेगी, यानी 27 इंच लटकी रहेगी। तो यहाँ पे 8 इंच पे हम मेजर टेप पकड़े और यहाँ पे मार्क लगा लिए। यहाँ पे 1.5 इंच देंगे इसका गोलाई। अब इसको यहाँ से हम इसको गोलाई कर लेंगे। अब इसको हम कटिंग कर लेंगे। अब इसको ऐसे हम फोल्ड कर लेते हैं। ये पल्ला को हम सीधा कर लेते हैं। अब इसका ऊपर का नेफा कटिंग करेंगे। इस 4 पल्ला है, पहले देख लेंगे इसका नेफा 42 इंच रहेगी, 42-44 दे सकते हैं हम। इसका 42 इंच देंगे और देख लेंगे ये 8 इंच आ जाएगी नेफा, इतना मोड़ने का जगह रहेगी, 8 इंची आ जाएगी ये मोड़ने, यहाँ पे फोल्ड हो जाएगी। अब ये हमारा एक कंप्लीट हो गया।
अब इसका स्टिचिंग करेंगे तो आपकी दूसरी वीडियो में इसका स्टिचिंग दिखाएंगे।